कभी कुछ चीज़ें जो सोची जाती हैं वो जहन में अटक जाती हैं। कवि तो नहीं है जैसा आपने कहा अनुराग जी, लेकिन कुछ लिखा जाता है, तो ऐसी ही एक छोटी सी, बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति है। स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, लेकिन उनमें सिमटा क्षण अमर हो जाता है। स्मृतियाँ नष्ट होती हैं लेकिन उनमें सिमटा क्षण अमर हो जाता है। पिता की कलम से निकला कोई शब्द किसी कागज पर ढलकर तब धरोहर हो जाता है जब उनकी तस्वीर सुनहरे फ्रेम से झांकने लगती है। पिता की कलम से निकला कोई शब्द किसी कागज पर ढलकर तब धरोहर हो जाता है जब उनकी तस्वीर सुनहरे फ्रेम से झांकने लगती है। डायरी में बड़े करीने से लिखा गया किसी का नाम और एड्रेस पढ़कर अब भी दिल धड़कने लगता है। डायरी में बड़े करीने से लिखा गया किसी का नाम और एड्रेस पढ़कर अब भी दिल धड़कने लगता है। किसी महबूब शहर की बदली हुई शक्ल के बाद भी चौराहे के सिग्नल पर न जाने कितने परिचित चेहरे आते जाते महसूस होते हैं। किसी महबूब शहर की बदली हुई शक्ल के बाद भी चौराहे के सिग्नल पर न जाने कितने परिचित चेहरे आते जाते महसूस होते हैं। उस बूढ़े सब्जी वाले से मिलना जवानी में जिसकी आवाज की टनक से मोहल्ला गूंज उठता था। स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर पराठे और आम के अचार की खुशबू से खुशगवार हो जाना, सच में यादें खुशबुओं की तरह पीछा करती हैं। सोचता हूं शायद इसीलिए अब इन पलों में धीरे धीरे खत्म भी होने लगती हैं यादें। दूर कहीं बैठा कोई हल्के से मुस्कुराता है, दूर कहीं बैठा कोई हल्के से मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, स्मृतियों के साथ उस पार ही अटक जाओगे, इस पार नहीं आ पाओगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।